देख रहा हूँ बड़ी तेजी से मेमोरी जो है डिटेरिएट हो रही है, इसको कैसे ठीक किया जाए इस डिसऑर्डर को? और इसमें मैंने हर तरह के लोग देखे, पहले ये होता था कि उम्र के किसी खास हिस्से में हमें नज़र आता था, क्योंकि पकी उम्र का कोई आदमी होता था अबव 40 या 50, वो कहता था मेरे साथ मेमोरी जो है ऐसा ऐसा इतनी अच्छी नहीं है, सुना जाता था। अब हर शख्स ये कंप्लेन कर रहा है, इसकी क्या वजह है? पहली चीज़ तो मैं क्लेरिफाई करूँगा कि जो प्रॉब्लम है मेमोरी के, वो प्योरली मेमोरी प्रॉब्लम नहीं होते हैं, राइट, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ कंसंट्रेशन एंड फोकस। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर मेरा फोकस और कंसंट्रेशन सही नहीं है तो मेरी रजिस्ट्रेशन मेमोरी की सही नहीं होगी, मैं रजिस्टर नहीं करूँगा और फिर मेरा रिकॉल प्रॉब्लम हो जाएगा कि मैं रिकॉल नहीं कर पाऊँगा। तो होता ये बड़ा कॉमनली है कि फ्रस्ट्रेटेड सोसाइटी है, परेशान है हम, स्लीप डिप्राइव्ड है, जैसे अभी थोड़ी जी देर पहले जी बात हो रही थी, अच्छी नरिशमेंट हमें नहीं मिल रही, अच्छी गिज़ा नहीं मिल रही है। अब बाहर की कंट्रीज़ में मैं होके आया हूँ, ओमेगा 3 इजीली मिल जाती है, मतलब जी फिश इतना जी खाते हैं, अच्छे अवोकाडोस और एस्पैरेगस और जी अपनी क्या कुछ तरह की हर वेजिटेबल्स, चीज़ अवेलेबल फिर है उनका बिल्कुल। पकाने का तरीका हमसे काफ़ी मुख्तलिफ है, वो इस तरह से हल्का है उसमें पकाते हैं आग में कि वो सारी नरिशमेंट जो है वो ख़त्म ना एग्जैक्टली हो जाए खत्म या ना हो ज़ाया ना बिल्कुल। हो जाए। तो हम बेसिकली, एक तो ये कि हमें वहाँ से प्रॉब्लम आ रहे हैं, फिर जब जितना सन है यहाँ पे पाकिस्तान में, सूरज है, उतना ही विटामिन डी डेफिशिएंसी भी है। ये बड़ी कमाल बात ये तो और विटामिन डी डेफिशिएंसी से भी बहुत डिप्रेशन हो रहा है, जी कमजोरियाँ आ रही हैं, ये स्पेशली जी फीमेल्स में, जी स्पेशली फीमेल्स में जो मैं देखता हूँ कि मेरे पास फीमेल आती है डिप्रेशन के साथ, और मैंने अगर विटामिन बी टेस्ट कराया और मैं पूछता भी हूँ कि नॉर्मली आप कितना टाइम बाहर दिन में गुजारती हैं, फिर अच्छी बात है आप आया पहनती हैं, कवर करती हैं, लेकिन सन जो एक्सपोजर है वो उनको नहीं मिल नहीं रहा, मिलता बिल्कुल तो ठीक है। ये चीज़ भी बहुत अफेक्ट करती है। तो मेमोरी के हवाले से मल्टी फैक्टोरियल रीजन्स हैं कि हमारा फोकस कंसंट्रेशन एक तो सही नहीं है, और अगर हम प्रॉपर सेटिस्फाइड हों अपनी लाइफ में जी और फोकस्ड हों, दिल खुश हो, मायूसी कम हो, घबराहट बेचैनी ना हो, एंजाइटी ना हो, राइट एंजाइटी इटसेल्फ, खास तौर पे एंजाइटी, फोकस और कंसंट्रेशन में बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट डालती है। जब आपके सोचे परेशानी की आ रही हो दिमाग में और आप किसी न किसी बात पे परेशान हो, तो आप कैसे फोकस कर सकते हैं सही? और उसके आउटकम यही होते हैं कि हम शॉर्ट टर्म मेमोरी की शेयर करते हैं, हम यहाँ चीज़ें रख के भूल गए, वहाँ रख के भूल गए, ये काम याद नहीं है, वो काम याद नहीं है। बिल्कुल ठीक है। फिर उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं, वो हमारा इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, फ़ोन स्क्रीन टाइम है, मतलब ये कि हम सिर्फ रियल लाइफ में ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी फ़ोन पे लगे हुए हैं, हमारा इंटरेक्शन उधर चल रहा है, जी हज़ार तरह की जी इंफॉर्मेशन आ रही है, फेसबुक पे ये हो रहा है, इस पे ये हो रहा है, किसी ने क्या कहा, यहाँ मैसेज किया, गाड़ी चलाते हुए भी मैसेजेस हो रहे हैं। जी तो जी जी ये बिल्कुल ऐसा चीज़ें ही भी है। आपको, अगर आप बहुत से मल्टी टास्क एक साथ कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली आपका कंसंट्रेशन सही नहीं होगा। बिल्कुल ये भी एक प्रॉब्लम है। हाँ, तो ठीक है आपको वन टास्क एट अ टाइम ज़रूरी है करना, ताकि जो राइट, भी आप चीज़ करें सही से करें। कंसंट्रेशन के साथ करें, यही प्रॉब्लम है कि हम होते वर्क प्लेस पर हैं, दिमाग हमारा कहीं और होता है, ये वजह है जिसकी वजह से हम सही तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे। डॉक्टर साहब,